आज 12 मार्च है और एक पेनी स्टॉक जो था आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में अपडेट लेके आया था। जैसा 3 दिन पहले कुछ न्यूज आया था कि एनसीएलटी में इसका जो रिलायंस और जो जेएम फाइनेंशियल का वेंचर था वो अप्रूव हो गया, अहमदाबाद ने अप्रूव किया है। और उसके बाद ये सर्किट लग रहा है, हो सकता है ये सर्किट 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये तक जाने का और जा सकता है। मैं इसमें कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आपको डिटेल इसके बारे में बता देता हूँ। आलोक इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे, शेयर होल्डिंग सिर्फ 9.96% है, वो भी गिरवी रखा हुआ है, कोई अच्छा चीज़ नहीं है। ये क्या करती है, ये टेक्सटाइल कंपनी है, इंगेज मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल इंक्लूडिंग मेंडिंग पैकिंग एक्टिविटीज लेदर एंड अदर अपैरल प्रोडक्ट्स ये बनाती है। और अगर इसका देखेंगे तो कोई भी चीज़ अच्छा नहीं है, ये 4.20 की करंट प्राइस चल रही है, सर्किट में चल रहा है, केवल बायर्स हैं इसमें। 52 वीक 5.6 1.44 दिखा रहा है, सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है, डेप्ट इसका 26,000 करोड़, 30,000 करोड़ कुछ है, तो कुछ भी यहाँ पॉजिटिव डाटा नहीं है, इसलिए इस पर कोई डिस्कशन करने का कोई लॉजिक नहीं है। होल्डिंग विद शेयर होल्डिंग देखें तो 9.96, वो भी गिर हुई है, 99% गिरवी रखा हुआ है। हुआ क्या है इसमें रिसेंटली, ये देखेंगे 4.60 पे 10% के ग्रोथ के साथ ये काम किया, वॉल्यूम देखिए अच्छा खासा वॉल्यूम हो रहा है इसमें, तो वॉल्यूम भी अच्छे खासे के साथ ये ट्रेड कर रहा है अभी। और बाइंग रिकमेंडेशन 88% है इसमें, तो 100% डिलीवरी यहाँ पे 74-75% डिलीवरी बता रहा है। सिर्फ उसका रीजन वही है, फाइनेंशियल देखेंगे तो भी अच्छा नहीं है, कोई खास सेल्स वगैरह नहीं है, सेल्स मेंटेन हो रहा है लेकिन प्रॉफिट अदर इनकम 75 है, पीबीटी निगेटिव ये है, डेब्ट यहाँ 26,000 करोड़ के आसपास बता रहा है। ये तो हो गया फाइनेंशियल के बारे में, हुआ क्या है इसमें, आप देखेंगे एनसीएलटी का एक मैसेज आया, एनसीएलटी अप्रूव्ड रिलायंस जेएम फाइनेंशियल आर्स ₹5,000 करोड़ बिड फॉर आलोक इंडस्ट्रीज। द विनिंग बिड ऑफ 5,000 करोड़ विच वॉज क्लोज टू आलोक इंडस्ट्रीज लिक्विडेशन वैल्यू ऑफ ₹4,000 to ₹4,500 करोड़। ये अहमदाबाद के अप्रूव, दिस द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अहमदाबाद ऑन फ्राइडे अप्रूव द ज्वाइंट बिड ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज ज्वाइंट जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड फॉर द इंसॉल्वेंस टेक्सटाइल प्लेयर आलोक इंडस्ट्रीज। द रिलायंस जेएम फाइनेंशियल आज कंबाइंड बिड 5,000 करोड़ का इन्होंने बिड किया था, उसको अप्रूव कर दिया गया। एक्चुअल में लोअर ट्रिब्यूनल ने कुछ केस किया था एसबीआई वगैरह ने, तो उसको रोक दिया गया था और ट्रिब्यूनल ने उसको होल्ड किया था। वेल इन द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द ऑर्डर द टू मेंबर्स बेंच कंप्राइजिंग एडजस्टिंग अथॉरिटी दो हरियर हरियर प्रकाश चतुर्वेदी एंड मनोरमा कुमारी सेट द प्लान वॉज बींग अप्रूव कंडीशनली, इनको अप्रूव कर दिया गया। द ट्रिब्यूनल अर्लियर क्या हुआ था, ट्रिब्यूनल हैड इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन फॉर आलोक इंडस्ट्रीज इन जुलाई 2017 बेस्ड ऑन ए प्ली फाइल्ड बाय वन ऑफ द लीड लेंडर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ट्रिब्यूनल ये प्रोसीडिंग जो चालू हुआ था तब हुआ था जब एसबीआई ने इसके अगेंस्ट में प्ली फाइल की थी। इन अप्रैल 2018 आलोक इंडस्ट्रीज वाज ऑन एवरेज लिक्विडेशन विद ओनली बिड बाय रिलायंस जेएम फाइनेंशियल फेलिंग टू मीट 70%। पहले इसके कंडीशन था एनसीएलटी का जिसको बाद में चेंज कर दिया गया था कि 75% जो भी होने चाहिए अप्रूवल आने चाहिए, उसको थ्रेशोल्ड लेंडर अप्रूव करने चाहिए, लेकिन 72% ही किया था, उसके चलते रिजेक्ट हुआ था। बाद में एनसीएलटी में रिजोल्यूशन चेंज हो गया और वो 66% कुछ हो गया, तो उसके बाद 66% हो गया, तो उसके बाद वो जीत गए, वापस बिडिंग हुई, तो उसके बाद उन्होंने निकल गए। इट नीडेड टू बी मेंशन हियर विद द रिलायंस जेएम फाइनेंशियल बिड ऑफ 5,000 करोड़ विल बी सी बैंक्स टेकिंग मेजर हेयर कट सिंस आलोक इंडस्ट्री टोटल डेब्ट वाज 27 टू जो आलोक इंडस्ट्री का 27 बैंक में है उसमें मेन लीडर एसबीआई है जिसको 30,000 करोड़ का है। अदर जो मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स विच लैंड मनी टू द आलोक इंडस्ट्री इंक्लूड एक्सिस बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक, देना बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक, ये सब अदर बैंक हैं। अर्लियर आलोक इंडस्ट्री इंप्लाई यूनियन टू मेट द एनसीएलटी टेकिंग लिक्विडेशन अहमदाबाद बेस्ड ऑन कंपनी विद द अप्रूवल रिलायंस जॉइंट वेंचर फाइनेंशियल सेट टू एक्वायर 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। अब ये अप्रूवल के बाद क्या हुआ कि 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनकी फैसिलिटी सिलवासा, वापी, नवी मुंबई, भिवंडी विच कैन मैनुफैक्चर 68,000 टन कॉटन यार्न ए ईयर एंड 1,70,000 टन पॉलिस्टर पर ईयर। तो अब इससे आलोक इंडस्ट्री जो जो रिलायंस ने लिया है तो उससे इनकी कैपेसिटी जो है इतनी बढ़ जाएगी रिलायंस की। ये एक न्यूज़ था। और उसके बाद आप चार्ट पे देखेंगे तो ये कंटिन्यू जंप पे जंप जंप पे जंप लेते हुए आप देखेंगे डेली डेली एक सर्किट मारता हुआ ये भागते जा रहा है और बाइंग अच्छी खासी बाइंग के साथ ये ऊपर की ओर भागते जा रहा है। आज जो क्लोजिंग दिया है आपने देखा ही 9% के साथ, केवल बायर्स हैं इसमें, ओनली बायर्स इन आलोक इंडस्ट्री।
460 के साथ 9% के साथ भागा है ये। और अगर मैं इसके मंथली चार्ट में तो इसकी कहाँ रुक सकता है ये, तो एक देखिए इसका जो मंथली अगर मूविंग एवरेज देखें तो पहला जो मूविंग एवरेज आता है इसका और जो 50 दिन का है अगर वहाँ की बात करें तो ये 5.23 रुपया है। तो पहला 5.23 को इसको क्रॉस करना पड़ेगा। अगर ये 5.23 को क्रॉस करता है तो ये 10 रुपये तक भी जा सकता है जो कि इसका 100 दिन का मूविंग एवरेज है। और 10 क्रॉस करता है तो 13 रुपये, 13 क्रॉस करता है तो 16 रुपये। तो ये ट्रेंड में ये जा सकता है, हो सकता है कि आपको यहाँ से 8-10 रुपये तक, यहाँ से आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज की बाइक है, ये बड़ी कंपनी है, तो इस मूवमेंट में आपको 10 रुपये तक तो जाते हुए दिख सकता है। तो इसी पालप इंडस्ट्री में जस्ट अपडेशन था कि इसको NCLT के द्वारा अप्रूवल मिल चुका है और इसके लिए जंप कर रहा है। तो रिलायंस भी आप देखेंगे बहुत भाग रहा है, हो सकता है बाद में ये न्यूज आ जाएगा आपको। तो रिलायंस भी अच्छी खासी दौड़ लगा रहा है लेकिन किसी को मालूम नहीं कि क्यों वो दौड़ लगा रहा है। तो इसमें एक रीज़न ये भी है, ये जो एक्वायर किया इससे रिलायंस की अच्छी खासी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बस वीडियो देखने के लिए इतना ही मेरे द्वारा। ये क्यों पेनी स्टॉक, इसमें को बाय करके आप, आपको दिखाई दिया फाइनेंशियली बहुत अच्छा नहीं है। तो ट्रेडिंग पर्पज से, जुआ पर्पज से आप इसको लेके एक्वायर करके कर सकते हैं। ये जा सकता है ऊपर 10 रुपये तक तो जा सकता है, अगर आप बिड रखते हैं मिलता है तो रखिए, वॉच रखिए। लेकिन मेरा कोई बाय रिकमेंडेशन इस पर नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।